Hello and welcome to Techno for You. So Ptron Tangent Beats versus Tangent Lite दोनों ही चीप कॉस्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन है. सो प्राइस को देखेंगे तो टेंजेंट लाइट का प्राइस है 499 और टेंजेंट बीट्स का प्राइस है 699. तो देख लेते हैं इन दोनों चीप कॉस्ट ईयरफोन में से बेहतर कौन सा रहेगा आपके लिए. डिजाइन की बात करेंगे तो दोनों ईयरफोन का ही प्राइस के हिसाब से डिजाइन अच्छा है, फिर भी 700 रुपए के हिसाब से टेंजेंट बीट्स का डिजाइन कुछ ज्यादा ही प्रीमियम है. दोनों ईयरफोन के ही नेकबैंड में रबर सिलिकॉन और फंक्शनल पोर्शन में प्लास्टिक मटेरियल यूज किए गए हैं. वायर क्वालिटी Ptron बीट्स का ज्यादा क्लासी है. ईयरबड्स में प्लास्टिक और मेटल कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, बट क्वालिटी ईयरबड्स टेंजेंट बीट्स में ही मिलेगा. दोनों के ही ईयरबड्स लाइट वेट है जिससे ईयर ग्रिप भी अच्छा मिलता है और इसलिए स्पोर्ट्स जिम के लिए भी दोनों ही परफेक्ट है. सो ओवरऑल देखा जाए तो टेंजेंट बीट्स का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है. फंक्शनल बटन्स एंड फंक्शंस दोनों में ही सेम है, जैसे म्यूजिक प्ले पॉज कॉल रिसीव रिजेक्ट ट्रैक चेंज, और इसके अलावा पावर बटन को होल्ड करने पर एलेक्सा गूगल असिस्टेंट फीचर मिलता है. टेंजेंट बीट्स का ओवरऑल फंक्शनल बटन क्विक रिस्पॉन्सिव है और टेंजेंट लाइट का कभी कभी डिले मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है. दोनों ईयरफोन में ही वाइब्रेटिंग फीचर नहीं है. दोनों ईयरफोन में ही ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा और उसके हिसाब से कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर तक मिल जाता है और कनेक्टिविटी रिस्पॉन्स भी फास्ट है. गेमिंग के लिए टेंजेंट लाइट से टेंजेंट बीट्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, स्पेशली हाई मेमोरी गेमिंग में. बट ओवरऑल नॉर्मल गेमिंग में दोनों ईयरफोन ही सही परफॉर्मेंस करता है. लैपटॉप के लिए दोनों ईयरफोन का ही कनेक्टिविटी ठीक ठाक है. बैटरी कैपेसिटी दोनों ईयरफोन में अलग है. Ptron टेंजेंट लाइट में 125 मिली एम्पेयर और टेंजेंट बीट्स में 110 मिली एम्पेयर बैटरी है. सो 500 रुपए के ईयरफोन में बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है. सो टेंजेंट लाइट में 5 से 6 घंटे प्ले टाइम और टेंजेंट बीट्स में 4 से 5 घंटे प्ले टाइम मिल जाता है. करीब डेढ़ घंटे चार्ज करने पर दोनों ईयरफोन फुल चार्ज होता है. चार्जिंग के लिए कोई भी नॉर्मल चार्जर यूज कर सकते हैं, फास्ट चार्जर यूज ना करें तो बेहतर होगा. Ptron बीट्स का माइक क्वालिटी अच्छा ही है. नॉइस कैंसलिंग फीचर तो नहीं दिए गए हैं, थोड़ा बहुत नॉइजी प्लेस में भी वॉइस कॉल क्लियर रहता है. लेकिन टेंजेंट लाइट का माइक टेंजेंट बीट्स से लो क्वालिटी का है, लेकिन 500 रुपए में बढ़िया कॉल क्वालिटी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है. टेंजेंट बीट्स वॉइस रिकॉर्ड वीडियो कॉल्स के लिए भी सही है. सो पहले ही मैं कह चुका हूं कि दोनों ईयरफोन ही जिम के लिए परफेक्ट है, लेकिन जिम के लिए बेहतर प्रोटेक्शन टेंजेंट बीट्स से मिलता है इसके स्वेट रेसिस्टेंट फीचर होने के कारण. साउंड क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो दोनों ईयरफोन में बहुत फर्क है. जैसे टेंजेंट लाइट में बेस एंड ट्रिबल कॉम्बिनेशन सही नहीं है, साउंड लाउड है लेकिन बेस उतना बढ़िया नहीं है, और कभी कभी साउंड मोनोटाइप भी फील होता है. दूसरी तरफ टेंजेंट बीट्स में बेस एंड ट्रिबल कॉम्बिनेशन परफेक्ट है और सरप्राइजिंगली पंची बेस भी इस ईयरफोन में फीचर्ड है और साउंड इस ईयरफोन में लाउड भी है एंड साउंड लीकेज का भी उतना प्रॉब्लम इस ईयरफोन में नहीं है. सो ओवरऑल टेंजेंट बीट्स की साउंड क्वालिटी इस प्राइस में प्रीमियम है टेंजेंट लाइट के मुकाबले. सो 699 वाला ईयरफोन आपके लिए है अगर आप कोई चीप कॉस्ट वायरलेस नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं तो. सो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं और इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं. सो मिलते हैं अगले वीडियो पे. टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.